संभागीय खाद नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने सभी राइस मिलर को निर्देश दिया कि वह अपने केंद्रों पर ब्लेंडिंग मशीन लगाए, जिसके संबंध में संभागीय खाद नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मंडल के सभी केंद्र प्रभारियों एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देश किया गया है कि जब तक राइस मिल ब्लेंडिंग मशीन नहीं लगवा लेते हैं, उनके किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। ब्लेंडिंग मशीन लगाना अनिवार्य है। जिन मिलों में यह मशीन नहीं होगी, अगले सत्र में उनसे अनुबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार अब फोर्टिफाइड चावल का कोटे की दुकान से देने की तैयारी कर रही है। इस सवाल की आपूर्ति हो सके, इसके लिए खाद्य विभाग से संबंध राइस मिलों में ब्लेंडिंग मशीन मानक के अनुसार सामान्य चावल में फोर्टिफाइड चावल मिलाने की मशीन लगाना अनिवार्य किया गया है। मंडल में 180 राइस मिले पंजीकृत हैं और इनमें से केवल 68 में ही अब तक ब्लेंडिंग मशीन लगा हुआ है। फोर्टिफाइड चावल फैक्ट्री से मंगाकर उसे राइस मिलों में ब्लेंडिंग मशीन के सहारे सामान्य चावल में फोलिक एसिड मिलाया जाएगा। 99 किलो सामान्य चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाएगा। चावल की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए राइस मिलों को ब्लेंडिंग मशीनें लगाने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए ये निर्णय भारत सरकार और राज्य सरकार ने लिया है कि जो भी गरीबों को राशन दिया जाता है उसमें जो राइस दिया जाता है, चावल दिया जाता है, चावल फोर्टिफाइड राइस होना चाहिए। फोर्टिफाइड राइस का मतलब होता है उसमें फॉलिक एसिड और कई विटामिन उसमें मिक्स किए जाते हैं ब्लेंडिंग मशीन के द्वारा। तो यह कार्य राइस मिलर्स के द्वारा किया जाता है। तो गोरखपुर मंडल में इसको हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है। अभी दो दिन पहले ही सभी राइस मिलर्स को यह बताया गया है कि सभी लोग अगले एक हफ्ते में ब्लेंडिंग मशीन लगा लें, ताकि जो भी राइस वहाँ से निकलता है वो फोर्टिफाइड राइस निकले। इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था और की है कि जितने भी राइस मिलर्स हैं उनको हमने बहुत सख्त चेतावनी दी है कि अगर वो ब्लेंडिंग मशीन नहीं लगाते एक हफ्ते में तो उनके जितने भी पेमेंट्स हैं उसको रोक दिए जाएंगे। क्योंकि यह बहुत पुण्य का कार्य है और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जो भी चावल दिया जाएगा गरीबों के लिए वो सभी फोर्टिफाइड राइस ही होंगे। इससे बहुत सारे जितने भी हमारे राशन कार्ड होल्डर हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें फॉलिक एसिड जो होता है उससे हीमोग्लोबिन बनता है, तो आयरन की कमी नहीं होती है। इससे बहुत फ़ायदे हैं, कई विटामिन्स भी उसमें रहते हैं।